हेलो गाइस, मैं स्कोतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इनकम टैक्स कैलकुलेशन, हम किस प्रकार करेंगे टैक्स कैलकुलेटर पर। तो गाइस गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स की साइट है उस पर टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मेरे चैनल पर प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस अभी कुछ दिन पहले ही 2020 के लिए बजट पेश किया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में था वो था न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो गाइस अब टैक्स पेयर के लिए दो ऑप्शन होंगे, या तो ओल्ड स्लैब रेट के अनुसार अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकता है या न्यू स्लैब रेट के अनुसार अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकता है। तो गाइस उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा उपलब्ध कराई है जो कि जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उस पर टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल कराया है जिसमें कि हम अपनी इनकम को डालकर उसमें चेक कर सकते हैं हमारे लिए कौन से जो स्लैब रेट हैं ओल्ड या न्यू, तो किस में हमें बेनिफिट होगा। तो गाइस इसमें आपको अपनी पाँचों इनकम ले लेनी है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और गाइस फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो गाइस जैसे कि हम टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद पहला ऑप्शन है एज का। तो गाइस इसमें बिलो 60 ईयर बिटवीन 16 ईयर टू 79 और अबव 79 ईयर। तो गाइस इसमें जो 60 साल से नीचे हैं जो कि नॉर्मल है, गाइस जो हमारे 60 साल से ऊपर हैं 80 साल से नीचे तो वो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, और गाइस 80 साल से ज़्यादा वो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। तो गाइस उसमें चूज़ कर लेंगे, जैसे कि हमने चूज़ कर लिया है बिलो 60 ईयर। तो गाइस इसमें आपको अपनी पाँचों इनकम इंक्लूड कर लेनी है जिस भी सोर्सेज से आपकी इनकम आ रही है। जैसे गाइस हम मान लेते हैं हमारी इनकम टोटल इनकम जो है 850,000 रुपये है, तो उसके लिए अब गाइस लेस एग्जेम्पशंस डिडक्शंस। तो गाइस जो हमारी ओल्ड स्लैब रेट है तो उसमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल हैं, बट जो न्यू स्लैब रेट है उसमें ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हटा दी गई हैं। तो गाइस जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस इसमें 170,000 है, क्योंकि गाइस हमारी LIC पॉलिसी है और गाइस इसमें मेडिकल क्लेम जो मेडिकल हमारा इंश्योरेंस है 20,000 रुपये का। तो गाइस टोटल जो हमारी डिडक्शंस होगी वो होगी 170,000 रुपये। अब गाइस उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे टैक्स अंडर एग्जिटिंग एंड न्यू रिजीम। तो गाइस ये दोनों ही प्रकार से ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट के अनुसार आपको दिखा देगा, जैसे गाइस टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजीम। तो जो हमारी ओल्ड स्लैब रेट है उसके अनुसार हमारा जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 50,440 रुपये, और गाइस जो हमारे न्यू स्लैब रेट है न्यू रिजीम है उसके अनुसार 54,600 रुपये आ रहा है। तो गाइस इसमें दिखा रहा है हमारा टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजिम। तो यदि हम ओल्ड रिजिम के अनुसार अपनी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 4,460 रुपये का हमें टैक्स बेनिफिट्स हो जाएगा। तो हमें जो टैक्स बेनिफिट होगा वो होगा ओल्ड रिजिम के अनुसार। तो गाइस अब हमको ओल्ड रिजिम के अनुसार ही अपने जो टैक्स कैलकुलेट करना होगा। अब गाइस जैसे हम मान ले अब इसमें जैसे हमारी इनकम 10,50,000 रुपये है, यदि हमारी इनकम 10,50,000 रुपये है तो उस पर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के अनुसार कितना टैक्स कैलकुलेट होगा और किस में हमें फ़ायदा रहेगा। तो गाइस जैसे कि इसमें हमारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं, तो इसमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस इसमें डाल देंगे तो एस्टिमेटेड जो इनकम है वो 10,50,000 रुपये है और डिडक्शंस 170,000 रुपये है। तो गाइस जैसे कि टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजिम के अनुसार 92,040 रुपये और टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजिम के अनुसार
88,400 रुपये। तो गाइस इसमें दिखा है टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रिजिम 3640 रुपये। तो गाइस इसमें हमें जो बेनिफिट होगा वो 3640 रुपये होगा यदि हम न्यू रिजिम के अनुसार अपनी न्यू स्लैब रेट के अनुसार इसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस यदि मान लीजिए हमारी इनकम 5,00,000 रुपये है, तो अब इस पर हम देखते हैं कि इस पर हमारा टैक्स कितना होगा। तो 5,00,000 पर हमारा कोई भी टैक्स अवेलेबल नहीं है और हमारी इसमें डिडक्शंस है 150,000 रुपये की। तो गाइस आप देख सकते हैं एज़ पर पेबल एज़ पर ओल्ड रिजिम तो इसके लिए कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो है। और टैक्स पेबल एज़ पर न्यू रिजिम के लिए भी टैक्स हमारा जीरो है। और यदि हम इसमें डिडक्शंस अपनी हटा देते हैं, इसमें हमारी कोई भी डिडक्शंस नहीं है, तो उसके बाद भी हमारा टैक्स पेबल एज़ पर ओल्ड रिजिम जीरो रहेगा और टैक्स पेबल एज़ पर न्यू रिजिम के अनुसार भी हमारा ज़ीरो टैक्स रहेगा। क्योंकि गाइस इसमें हमारी रिबेट मिल जाती है 87A के तहत जो कि 12,500 रुपये होती है, तो उसके अनुसार हमारा टैक्स इसमें नहीं आएगा। तो गाइस जैसे कि हमारी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम होगी 5,50,000 रुपये, तो गाइस इसमें हमें टैक्स पेबल एज़ पर ओल्ड रिजिम के अनुसार 23,400 रुपये टैक्स इसमें कैलकुलेट कर रहा है और टैक्स पेबल एज़ पर न्यू रिजिम के अनुसार 18,200 रुपये इसमें टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। तो टैक्स का जो बेनिफिट मिलेगा एज़ पर न्यू रिजिम के अनुसार 5,200 रुपये का हमें इसमें बेनिफिट्स मिल जाएगा। किसके अनुसार? न्यू रिजिम के अनुसार, जो हमारे न्यू स्लैब रेट है। तो गाइस यदि हमारी इसमें डिडक्शंस 150,000 की हैं तो इसमें न्यू रिजिम में जीरो दिखा रहा है और जो हमें ओल्ड रिजिम है इसमें जीरो दिखा रहा है और टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजिम में 18,200 रुपये इसमें हमारा टैक्स दिखा रहा है। तो टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजिम से 18,200। तो गाइस इसी प्रकार गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल कराया है, जिससे कि प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर को इससे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें यदि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इसमें टैक्स कैलकुलेटर से अपनी इनकम हम जो टैक्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ही आपको अपना टैक्स कैलकुलेटर से अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।